कि ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हैं और अभी ये जो है देखिए सुभाष भाला साहब भी जो है, तो इस तरीके से जब दिल के बेहद नजदीक हैं तो इनके दिल की धड़कन तो जरूर सुननी चाहिए सरकार। तो आपकी धड़कन सुनती नहीं है सरकार? ना जी, सुनती नहीं। नमस्कार, मैं विवेक कुमार जाखल के ग्रामीण क्षेत्र की तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और विशेष रूप से यहाँ की स्थिति जो नज़र आती है वो लोगों के मकानों की है। बारिश में ये इतने जर्जर हाल हो चले हैं कि कभी भी मौत के साय में रहने को मजबूर हैं यहाँ के स्थानीय निवासी। गरीब परिवारों की स्थिति ऐसी है। आज इस वक्त जिस मकान में मौजूद हूँ इसको एक लकड़ी के पिलर से खंबे से रोका हुआ है। इस छत को आप देख सकते हैं, अगर ये हटा दिया जाए तो ये तुरंत ढह सकता है नीचे। अब बारिश का मौसम आ चुका है और इस बारिश के मौसम में ये पानी की जो बूंदें हैं वो घर के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। मकान के ऑनर, मकान के मालिक जो यहाँ रहते हैं वो मौजूद हैं। क्या नाम है जी आपका? देशराज है जी। देशराज जी, ये मकान बहुत पुराना है। बहुत पुराना है जी। जी हाँ जी। तो सरकार की तरफ से कोई उम्मीद करते हैं आप कि ये जो है मकान? उम्मीद तो यही है जी, बस हमारे मकान पड़ जाए और मन को ऐसी चीज़ की लोड नहीं। हाँ जी, सरकार तो शादी ना लाई बैठे। हाँ जी, आप हमें ये बताएं कि क्या काम करते हैं आप? दिहाड़ी मजदूरी करा जी। तो दिहाड़ी मजदूरी से कैसे बनेगा मकान? नहीं बनता जी, दिहाड़ी ना तो बनता नहीं। नहीं बनता ना। तो सरकार की किसी योजना का लाभ मिला आपको? कुछ नहीं मिला जी मन तो। हाँ, सारे बेड़े में किसी ने कुछ नहीं मिला जी। तो मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, नायब सांसद साहब से? हाँ, नए से तो है जी, कुछ करेगा। हाँ, कुछ मिलेगा। हाँ। अच्छा, बारिश के मौसम में जब ये टपकता है तो कैसे आप अपने आप का बचाव करते हैं, क्या स्थिति होती है? बैठ के काटा जी, रात पन्ने पुन्ने ले लिया बाहर निकल गए, या पन्ना देख लो या पड़े जी। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, तो ये मकान की स्थिति आपने तस्वीरों के माध्यम से देखी है। जाखल के ग्रामीण क्षेत्रों की तमाम तस्वीरें एवं हरियाणा आपको दिखा रहा है। बार बार हम एक ही बात कहते हैं कि सरकार जो है दावे तो करती है लेकिन उन दावों पर खरी नहीं उतरती है। सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी, तमाम परिवारों से हम लोग मिल रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सरकार की जो योजना आवास को लेकर के है उसमें किस तरह से आपका प्रयास रहेगा? सरकार अब की बार तो बोल रही है कि पक्का मिलेगा, क्योंकि मेरे से पहले बहुत सरपंच रह चुके हैं, वहाँ तब तक कुछ नहीं मिला इनको जी। ना ईट तक नहीं मिली। बाथरूम पहले बोलते कि बाथरूम बनवाएंगे सरकारी, पर नहीं बने। पर अब सरकार बोल रही है कि 100-100 गज के प्लाट मिलेंगे, मकान के आवास योजना का फ़ायदा देंगे जी। ये चीज़ बोल रहे हैं कि चलो फ़ायदा करें अब सरकार, उम्मीद है सरकार से। हमारे लोग तो सरकार को छाती के साथ लगाए फिर रहे हैं। हाँ, क्या बात है। तो हम भी सोच रहे हैं कि सरकार फ़ायदा दे हमें। हाँ। तो धन्यवाद सरकार का करते हैं कि उम्मीद है अब सरकार से। बिल्कुल, ये देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब हैं और अभी ये जो है देखिए सुभाष बराला साहब भी जो हैं। तो इस तरीके से जब दिल के बेहद नज़दीक हैं तो इनके दिल की धड़कन तो ज़रूर सुननी चाहिए सरकार को। तो आपकी धड़कन सुनती नहीं है सरकार? ना जी, सुनती नहीं। तो भाई देखिए, गरीबों का दर्द अगर सरकार सही मायने में समझने लग जाए ना तो देश की स्थिति बदल सकती है जी। क्या कहेंगे? क्योंकि देख सकते हो आप, इतना छोटा घर है कि दो मकान मुश्किल से हैं। हाँ। और तीन लड़कियां इनकी, उनकी शादी करनी है अभी, एक लड़का है इनका ही अभी, वो भी छोटा है उम्र में, चलो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है अपने पिताजी के साथ। तो आप देख सकते हो इनकी शादी कैसे करेंगे। आजकल तो माहौल इतना बुरा है कि 2-4 लाख गरीब के शादी में लगते हैं। तमाम तरीके से सरकार जो है गरीबों के साथ यदि खड़ी है तो स्थिति और हालात इनके भी बदल सकते हैं, इनके चेहरों पर मुस्कान आ सकती है। तो लगातार बने रहिए एवन हरियाणा के साथ और हम इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। गरीबों का दर्द, उनकी पुकार आप तक एवन हरियाणा के माध्यम से पहुंचती रहेगी। बने रहिए लगातार हमारे साथ। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।